नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जिला खनिज न्यास यानी कि डीएमएफ के विवाद में केंद्र सरकार की जिद के आगे छत्तीसगढ़ सरकार झुक गई है। सरकार ने डीएमएफ के अध्यक्ष पद से प्रभारी मंत्री को बाहर कर दिया है। अब तक पदेन सदस्य आपको बता दें सचिव रहे कलेक्टर को अब अध्यक्ष बना दिया गया है। सांसदों को भी डीएमएफ के शासी परिषद में जगह मिल गई है। 45 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाली हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार ने डीएसपी बना दिया है। आपको बता दें कि विवेक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास चांदौन गांव के रहने वाले हैं। हॉकी टीम जब मेडल जीतकर भारत वापस लौटी थी उसी समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को सम्मानित करते हुए उन्हें डीसीपी बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश के अशोकनगर के चंदेरी में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के परिजनों ने यौन शोषण किया है। परिजनों ने भारतीय जनता पार्टी का नेता भी शामिल है। इस सामूहिक बलात्कार की शिकायत लड़की ने अपनी मां के साथ अशोकनगर के महिला थाने में दर्ज कराई। मध्य प्रदेश भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की आदिवासी अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा बताते हुए आरोप लगाया है कि इससे पहले कांग्रेस के लंबे शासनकाल और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल में जनजाति समाज के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आदिवासियों के हक और अधिकार को लूटने का काम किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में फिलहाल कोरोना का संक्रमण कम हो चुका है, लेकिन सरकार संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोई भी गलती नहीं करना चाहती। आने वाले दिनों में त्योहारों की छड़ी लगने वाली है, ऐसे में एक बार फिर संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। उसी को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने त्योहार के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं गणेश उत्सव और ताजियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। आजकल युवाओं पर खास तौर पर व्यसक हो रहे बच्चे पर पबजी गेम का ऐसा नशा चढ़ा है जिसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ रहा है। मोबाइल पर पबजी ने मध्य प्रदेश के देवास में 18 साल के युवक की जान ले ली। मृतक का नाम दीपक बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काला जादू के शक में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भीड़ में आए लोग युवक को लाठी डंडों से तब तक पीटते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। गांव के लोगों को शक था कि बच्चों और महिलाओं के बीमार होने की बजाय युवक का जादू टोना है। पुलिस ने इस मामले में एक दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से अलग अलग कंपनियों की प्रतिबंधित नशीली टैबलेट, कोरेक्स कफ सिरप और नशीली दवाइयां जब्त की गई। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर अभी फरार चल रहा है। आरोपी दुर्ग शहर में बाइक से फेरी लगाकर ये दवाइयां बेचा करते थे। बिलासपुर में धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी ने सोमवार को विशाल जनजागरण रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस महारैली में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद, विधायक सहित जिले तमाम पदाधिकारी शामिल रहे। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। सोमवार को एक ही दिन के अंदर डेंगू के 8 नए मरीज मिले। वहीं अब तक मिले मरीजों की संख्या 86 हो गई है। अब इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने घरों में सर्वे दिया, इनमें से 700 घरों के अंदर लार्वा मिला है। बारिश के दिनों में दूसरे मौसमी बीमारियां हो रही हैं। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर दौलत पटेल के मुताबिक इंदौर में अभी तक बीते कुल मरीजों की संख्या 86 पहुंच गई। तो ये थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। इन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।